सर्जरी की हुई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मिलेश नागर है। मैं अमलतास अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ पे हमारे पास शुक्रवार के दिन एक मरीज़ आए थे, 65 वर्षीय मरीज़ थे। उनके दिमाग में बहुत ही बड़ा क्लॉट था जो कि बाएं भाग में दबाव डाल रहा था, जिसके कारण दाएं भाग की कमज़ोरी थी और सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी गई हुई थी। मरीज़ बिल्कुल बोल नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, और जो दायां भाग है वो हिल नहीं रहा था। तो जब मरीज़ को हमने देखा तो हमने पाया कि जो रिश्तेदार है वो काफ़ी चिंतित थे इन समस्याओं को लेकर, और शहर के और आसपास के एरियाज़ में काफ़ी अस्पतालों में घूमे थे, मगर उन्हें प्रॉपर सही तरीके का इलाज और परामर्श नहीं दिया गया था। हमने जब देखा तो सीटी स्कैन में जब ब्लड ब्लड क्लॉट मिला तो उनका इवैल्यूएशन किया गया, खून की जांचें कराई गई, ऑपरेशन के लिए तैयारी की गई, और तुरंत ही एक दिमाग की सर्जरी के लिए प्लान किया गया। बिकॉज़ ये इमरजेंसी सर्जरी थी, मरीज़ की स्थिति में कभी भी और गिरावट आ सकती थी और जान का खतरा भी हो सकता था। तो ये गंभीर और चिंताजनक सिचुएशन थी, तो इमरजेंसी सर्जरी के लिए प्लान किया गया। तो नॉर्मली क्या करते हैं, जो इसमें सर्जरी में पूरा का पूरा हड्डी निकाल के, ब्लड क्लॉट निकाल के हड्डी या तो वापस रख दी जाती है या फिर हड्डी को पेट में भी कई बार डाल दिया जाता है, बिकॉज दिमाग में सूजन रहती है। मगर जो हमने टेक्निक यूज़ की है, हमने जो मिनिमली इन्वेजिव ब्रेन सर्जरी की मैंने ट्रेनिंग ले रखी है, उसमें एक छोटे से छेद के द्वारा, हम इसे मिनिमली इन्वेजिव न्यूरो सर्जरी भी कहते हैं, की होल सर्जरी भी कहते हैं हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो की होल सर्जरी के द्वारा उसको अराउंड 3 सेंटीमीटर का छेद बनाया गया और वो क्लॉट को माइक्रोस्कोप के द्वारा देख के, और अत्याधुनिक उपकरण जो हमारे पास हमारे अस्पताल में मौजूद हैं उनके द्वारा उस खून के थक्के को हमने निकाला। और बहुत अच्छी बात है कि मरीज़ आज तीसरे ही दिन हाथ पैर पूरे चला रहा है, चल फिर रहा है, बातचीत कर रहा है, समझ रहा है, और मरीज़ एकदम घर जाने की स्थिति में है। हम प्लान कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन में उनको घर भेजते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इन सुविधाओं का आसपास के और शहर के और इवन राज्य के जो भी लोग हैं, इसका लाभ उठा के अमलतास अस्पताल की तरफ आगमन करेंगे। और आयुष्मान हमारे यहाँ, आयुष्मान जो योजना है, योजना के द्वारा हम यहाँ पे सारे मरीजों का फ्री में इलाज कर रहे हैं। तो ये मरीज़ का भी फ्री में ही इलाज हुआ है और मरीज़ काफ़ी खुश है और रिश्तेदार भी काफ़ी खुश हैं इस कारण। सर, तो यही मतलब सर्जरी अगर कहीं बाहर होती है और कितना क्या खर्चा आ सकता था? न्यूरो सर्जरी अगर पेमेंट के द्वारा होती तो, हॉस्पिटल में अभी आप सर मैं अमलतास में हूँ, किसको लेकर आए थे आप यहाँ? दादाजी को, ये मेरे दादाजी, क्या समस्या थी इनको? इनको सर इनके ब्रेन में लग गई थी आज से 1 महीने पहले, तो इनको है ना भूलने की बीमारी लग गई थी। ये भूल जाते हैं सर, इनकी तो मतलब भूल जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ लेके गए थे आप पहले इनको? इनको पहले मैं आरडी गाड़ी ले गया था, फिर आरडी गाड़ी से वहाँ पर इनको एडमिट करा, वहाँ पर इनको झेला नहीं, उसके बाद फिर एमबाई का लिखा, फिर एमबाई ले गया सर, तो वहाँ पर भी नहीं हुआ। फिर मैं इनको अमलतास लेके आया और यहाँ पर अमलतास लेके आया और इनको दिखाया। उसके बाद यहाँ पर सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है सर, और हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बताया कि इनको अमलतास हॉस्पिटल देवास ले जाओ, तो मैं फिर देवास लेकर आया सर इनको। और उसके बाद इनका यहाँ पर ऑपरेशन हुआ बढ़िया तरीके से। सर? क्या और क्या समस्या आ रही थी इनको पहले इनको आपस? सर ये ब्रेन में लग गई थी, तो ये है ना भूलते थे, इनको पैरालाइज जैसे लक्षण होते थे सर। किस किस जिले में गए थे आप और कौन से हॉस्पिटल सर में गए थे आप? पहले मैं आड़ी गाड़ी उज्जैन, उसके बाद इंदौर, फिर उसके बाद देवास। बताएं किस अस्पताल में हैं आप अभी? हम यहाँ अमलदास में, क्या हुआ था आपको? भाई सिर का ऑपरेशन हुआ था, क्या क्या समस्या आ रही थी उसके पहले आपको? उसमें मतलब लग गई थी बस। और कुछ लकवा वगैरह भी आया था? क्या हाथ चल नहीं पा रहे थे आप? चल फिर पा रहे थे आप? चल नहीं रहा था। अभी आपका जो सर्जरी हुई उसके बाद कैसा क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और चल फिर पा रहे हैं आप? हाँ पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहे हैं आपको? अच्छा लग रहा है। क्या उम्र है आपकी? मतलब ये नहीं सारा उन्होंने मतलब ऑपरेशन भी अच्छा करा, सब काम अच्छा करा, और इनकी व्यवस्था भी अच्छी हुआ। इसके पहले भी कहीं दिखाया था आपने? दवा भी अच्छी दी इनने। इसके पहले कहीं दूसरे हॉस्पिटल गए गए थे हमको नहीं जमा? यहाँ पे बढ़िया इलाज हुआ आप। हाँ इसके पहले कहीं दूसरे अस्पताल में दिखाए थे आपने? दिखाया था ना। कहाँ कहाँ दिखाया?
हम गए थे अब मतलब अपने मेडिकल कॉलेज कहाँ पे इधर वहाँ पे इलाज नहीं हुआ आपका सही से नहीं हुआ ठीक है अब अभी जब सर्जरी हुई कैसा क्या इलाज चल पा रहा है बढ़िया हाँ अच्छा हो गया बढ़िया महसूस कर रहा है हाँ मल दस में अच्छा हो गया क्या कहना चाहेंगे आप